काबे की और जनाब मक्के की गलियों में लिटा लिटा कर मारता था और कहता था हाँ बिलाल, नीचे तपती हुई रेत, दरमियान में बिलाल, सीने पे पत्थर, कहता था दस बिलाल और तेरा की प्रोग्राम में। याद रखना इस्लाम दिल्ली गल का कायल नहीं, पंजाबी समझ लो ना, इस्लाम दिल्ली गलों का कायल नहीं। जे बिलाल तपती रेत के हो थलो रेत हो और दरमियान बिलाल हो और सीने से पत्थर हो तो पूछते सन हाँ भाई बिलाल तेरा की प्रोग्राम में, हजरत बिलाल फरमाते सन आहद 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 आहद, फरमाया चले हुए हो मैं हुजूर का दामन रहमत छड़ सकता, ये तो थोड़ी गलत फहमी। और ये याद रखना जब इस्लाम ताकत की गल की थी, जहाद की गल की थी, फिर बिलाल बिलाल में कुटने वाला कोई नहीं सी, फिर तो बिलाल काबे की छत उ चढ़ गया। हाँ, इस्लाम इस वास्ते जिहाद का हुक्म देता और इकबाल कहता काफिर की मौत से भी लड़ता हो जिसका दिल, जिस तक घर बैठे और इतने बैठे जनाब रिपोर्टर दे मुखबर दे रहे और जी आपके साथी करम मन और कुछ नहीं करो बेगैर तो कुछ नहीं करी, असी सिर्फ यही करना चाहते हैं कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे ज़माने, असी सिर्फ कुछ नहीं करना चाहते, असी तुहानू खैरत दिवाना चाहते हैं और तुहानू यह दसना चाहते हैं कि एक एक तारीख एक गलत अपने माथे उत्ते ना लाओ कि जनाब हर चीज लुट गई, बैतुल मुकद्दस के बच्चे और जनाब बम्बा का शिकार हो गया, उन्होंने चीथड़े भी उठ गए, लेकिन एक कौम पीजिया और खाने के अंदर मस रही, एक कौम जनाब अपने अपने अयाशी और मुबतला उसके अंदर मुबतला रही, उसको पता भी नहीं लग्या कि मेरे भाई ना की होया। मेरे आका ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह, अगर किसी भी उस जगह तकलीफ होगी तो हर मोमिन तड़प जाएगा, जिसके अंदर तड़प मौजूद नहीं वो मोमिन नहीं। हुजूर के फरमान के मुताबिक असी तो अपनी तड़प जाहिर कर रहे हैं कि या अल्लाह क़यामत वाले दिन तू बुला के पूछ लिया कि दसो ए उसी नहीं सी जा सकते, दफना भी नहीं सी सकते, कफन ता आखरी मोमिन दा हक है ना, और के इना जनाब पाकिस्तान दी हर मिल कपड़े बना रही होवे, हर चीज बना रही होवे, हर चीज वाफिर हो रही होवे, इना दे वास्ते आयशा वास्ते रेड कारपेट बिछाए जान, ए कौन जी आई जी पंजाब आ रहा है जनाब, आई जी बलोचिस्तान, एफसी आ रहा है, फलाना आ रहा है, कोर कमांडर आ रहा है, ए फिर जनरल आ रहा है, कर्नल आ रहा है, फिर जनरल साहब आ रहे रेड कारपेट, और मैं कहना रेड कारपेट दे बेट तेरे जुत्तियां पैरां जुत्ती ना होंदी, लेकिन तू फलस्तीन दे दरवाजे ते खड़ा होंदा सी अपनी पगड़ियां तेरे पैरां खोल के बिछा देते, ते गल ही कोई नहीं सी। मौला ने साडी जिम्मेदारी लाई, मेरे आका मौला ने हदीस पाक बयान फरमाई है टेक लाके, हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल दे उलमा ने उन्हें अपनी कौमां नूं रोकिया कि भैड़े कम ना करो, इधर आ जाओ दुरुस्त पासे आ जाओ, कहंदे कौम बाज ना आई, दूसरे दिन मौलवी जी उन्हां नाल मिल गए, जदों हुजूर टेक लाके बैठे सन फजल असर रसूलल्लाह हुजूर सीधे होके बह गया, पहले टेक लाके बैठे सन हुजूर उठ के बैठ गए, मेरे आका ने फरमाया ना वल्लज़ी ला वल्लज़ी ला, हुजूर ने त्रै बारी अल्लाह दी